पहले शुरुआत राजस्थान से करते हैं और वही सवाल जो मुंबई खड़ा है वसुंधरा के सामने कि आखिर उनकी लोकप्रियता का पैमाना कहां है। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि ये कैसे सर्वे किया है। 10,136 है हमारा सैंपल साइज। जी हां, ऐसे सर्वे में जो कि साप्ताहिक रूप से हो रहा है, सबसे बड़ा सैंपल साइज जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए राजस्थान की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले आपको दिखाते हैं पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में क्या कह रही है राजस्थान की जनता। जब हमने उनसे यह पूछा कि कौन है सबसे लोकप्रिय चेहरा, यानी कौन बने अगला मुख्यमंत्री, तब क्या थी लोगों की राय। 35% पर सबसे आगे लीड कर रहे हैं अशोक गहलोत। जी हां, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री मौजूदा नहीं है, उसके बाद 11% पर सचिन पायलट हैं और कितने अंकों के साथ वसुंधरा राजे मौजूद हैं, अब आइए आपको यह दिखाते हैं। ये दिलचस्प है ये आंकड़े, क्योंकि यह भी बोला जा सकता है कि कांग्रेस क्यों ना दोनों की लोकप्रियता को जोड़ ले, क्योंकि 31 पर है वसुंधरा राजे, यानी मौजूदा मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को लेकर जो तमाम सवाल उठ रहे थे वो परेशान कर सकते हैं। वो मातुर के लिए 8% लोग वोट डाल रहे हैं, कौन बने अगला मुख्यमंत्री, इसी पैमाने पे आप देख रहे हैं। जो चार बड़े चेहरे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन राज्यवर्धन राठौर बहुत दिलचस्प है, 5% वोटों के साथ राज्यवर्धन राठौर भी इस रेस में शामिल हैं। तो अब आइए आपको एक बार दिखा देते हैं सभी वो चेहरे। और जो अगला सवाल हम पूछ रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए मीणा वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान में, और इसीलिए एक स्पेसिफिक सवाल हमने इस पर किया कि किरोड़ी लाल मीणा की जो घर वापसी हुई है वो क्या अच्छा फायदा पहुंचा पाएगी बीजेपी को। 30% लोग हां कह रहे थे, 30% लोग हां कह रहे थे, और जो नहीं कहने वाले थे उनका आंकड़ा कहीं ज्यादा था। वनवास 10 साल तक बाहर, उसके बाद वापसी इनकी हुई, लेकिन इनका बड़ा अच्छा असर नहीं बता रही है वहां की जनता, कम से कम हमारे सैंपल साइज के मुताबिक। और 18% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि पता नहीं इनका क्या असर होगा या फिर नहीं होगा वापस आने का। तो यह था महत्वपूर्ण सवाल जो हमने पूछा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हालांकि सुधांशु जी माने ना माने, लेकिन अंदर खाने बातचीत चल रही है बीजेपी में कि विधायकों के टिकट काटो भैया, एंटी इनकम्बेंसी कर सकता है परेशान। जब हमने टिकट कटने से बीजेपी को फायदा होगा पूछा तो 54% हां कह रहे हैं। खबर तो यह है कि बीजेपी 100 विधायकों के आसपास का टिकट काटना चाहती है, वसुंधरा 60 से ज्यादा का टिकट नहीं काटना चाहती है अभी, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना होगा। नहीं कहने वाले 36% है, जो कि कम है 54% से जो कहते हैं हाँ फायदा होगा। ये पता नहीं वाले भी 10% है, देखिए ये किधर जाते हैं। पता नहीं वाले पर हमेशा नजर रखिए, कामकाज को ठीक ठाक, इस सवाल पर पता नहीं। ये वही लोग हैं जो अंततः चुपके से इधर या उधर फेंस के पहुंचते हैं और डिसाइसिव बन जाते हैं अगर वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं। तो ये है वो महत्वपूर्ण सवाल। अब ये सवाल दिलचस्प है, हालांकि अमित शाह हमेशा अभी तक सबको अपनी पार्टी में शामिल करते थे, लेकिन ये साहब तो कांग्रेस में चले गए। जी हाँ, जसवंत सिंह के सुपुत्र, तो क्या मानवेंद्र सिंह का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। 36% लोग कह रहे हैं कि हाँ मानवेंद्र सिंह के जाने का कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा, जबकि 22% जैसा कि आप देख रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं इससे कोई खास फायदा नहीं। अब यहां पर देखिए लगभग 42%, यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा कहता है कि पता नहीं इनका कोई फायदा होगा या नुकसान होगा, असर पता नहीं बहुत ज्यादा। तो ये तीन सवाल थे। अब जल्दी से चुनावी मुद्दे बताते हैं जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको बता दें आज जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें ये पूछ रहे हैं कि क्या सरकार बचनी चाहिए या सरकार बदलनी चाहिए। कीजिए थोड़ा सा इंतजार, जो तमाम अहम मुद्दे हैं जो हमने दिखाए हैं अपने दर्शकों को, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा जिसे लोग बता रहे हैं वो आपने देखा कि रोजगार है, और रोजगार के बाद जो अगला मुद्दा है वो स्वच्छता का है। कृषि का मुद्दा 40% लोग कह रहे हैं, पीने का पानी 38% लोग कह रहे हैं, महंगाई को 36%। आपने गौर किया, राम मंदिर का ना तो मुद्दा था, ना शहरों के नाम को बदलने का मुद्दा था। ये जो मुद्दे हैं वो कम से कम लोगों के दिमाग में सबसे ऊपर नहीं है, इसीलिए हमने खास तौर पर ये मुद्दे रखे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि मुद्दों के हिसाब से क्या परिस्थिति है। तो चलिए अब वो सवाल जिसका आप कर रहे थे इंतजार, क्या राजस्थान में बचेगी, किसकी बनेगी अगली सरकार। जब हमने ये सवाल लोगों से पूछा है तो वर्तमान सरकार को थम्स अप देने वाले 39% लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ वर्तमान सरकार को ही वो फिर से अगली सरकार चुनेंगे। ये देखिए
43%, यानी बदलने वाले लोग ज्यादा हैं। 43% कह रहे हैं कि हम सरकार को बदल देंगे। अच्छी खबर नहीं है ये वसुंधरा राजे के लिए। 18% लेकिन पता नहीं वाले भी हैं, जो थोड़े से कंफ्यूजन में हैं, ये किस तरफ जाएंगे, ये डिसाइसिव हो सकता है। लेकिन अभी के आंकड़े अगर आप देखें तो साफ है 43% चाहते हैं कांग्रेस को। लेकिन अब हमने इस बार अपने सर्वे को एक कदम और आगे ले जाने की कोशिश की है। तमाम जो सवाल जवाब है उस पर हमने प्रोबेबिलिटी फैक्टर निकालने की कोशिश की है, जो हमारे साथ मौजूद राजीव कांदेकर, जो कि मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट डेटा मैथमेटिशियन है, वो बता रहे हैं कि वापसी की संभावना प्रोबेबिलिटी सिर्फ 35% है राजस्थान में वापसी की संभावना। देखिए, ये वसुंधरा राजे के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि सिर्फ 35% लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ, वसुंधरा राजे की सरकार की वापसी की संभावना दिखाई दे रही है।